नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर ले। आज हम बात करेंगे एनबीसीसी के बारे में। एनबीसीसी की भी अगर मैं बात करूं तो इससे भी रिलेटेड मैंने कई बार वीडियो बनाया। हालांकि अभी तक का जो हमारा टारगेट है कि कंपनी आने वाले समय में 500 के लेवल को भी टच करेगी, तो ऐसा हो सकता है। देखिए दोस्तों, आपसे बताना चाहते हैं कि ऐसा ही हो सकता है, क्योंकि इनके जिस टाइप से एमडी की अगर मैं बात करूँ, एक की पर्सन की बात करूँ, तो उन्होंने अनाउंसमेंट किया, मतलब जिस टाइप से कमेंट्री की है, उस टाइप से अगर देखा जाए तो आने वाले समय ये कंपनी 500 के लेवल को टच कर सकती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है दोस्तों, कि ये कंपनी करती क्या है। सिंपल वे में अगर मैं बात करूँ, जितना भी गवर्नमेंट से रिलेटेड स्कूल कॉलेज जो भी एक्स वाई जेड, मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो भी अनाउंसमेंट होते हैं, या पुल ब्रिज की अगर मैं बात करूँ, तो उससे रिलेटेड ये कंपनी काम करती है। गवर्नमेंट का ज़्यादा से ज़्यादा इस कंपनी को प्रोजेक्ट मिलते हुए दिखता है। मैनेजमेंट ने क्या कमेंट्री दी दोस्तों, तो आपसे बताएं, मैनेजमेंट ने इनके जो बताया है कि अभी आने वाले समय में अभी देखा है तो 81,000 करोड़ के आसपास इस कंपनी का ऑर्डर बुक देखने को मिलता है। वही मैनेजमेंट ने बताया कि साल के एंड तक हो सकता है कि इसको 1,00,000 करोड़ के आसपास मतलब लेके जा सकते हैं, ऐसा उनका मानना है, जो कि ये सबसे बड़ा पॉजिटिव है। और इसी कारण आप कह सकते हैं कि स्टॉक में सडनली अपने को तेजी भी देखने को मिली थी। हम आगे एनबीसीसी इंडिया के ऊपर, जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले अगर मैं इस कंपनी की बात करूं तो इस स्टॉक में 4% की तेजी देखने को मिली थी। अगर इसको थोड़ा सा और ऊपर पकड़ेंगे तो आप कह सकते हैं कि लगभग 6% की स्टॉक में तेजी देखने को मिली थी। यहां पे अगर आप देखिए तो कंपनी एकदम फ्लैट चल रही थी मार्केट में, हालांकि देखा जाए तो अच्छी मतलब की ठीक ठाक ही परफॉर्मेंस था। उसके बाद देखा तो स्टॉक में सडनली तेजी देखने को मिलती है, मतलब जो प्रीवियस क्लोजिंग था उसके आसपास कंपनी आने के बाद अचानक से स्टॉक में तेजी देखने को मिली, उसके बाद थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। अभी तक की अगर मैं बात करूं, देखिए दोस्तों, क्या ये कंपनी 500 के लेवल को टच करेगी, क्या इस स्टॉक को बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जिनके भी पोर्टफोलियो में, जिससे रिलेटेड मैं आगे डिटेल्स में बात करूंगा। लेकिन हाँ, सबसे पहले अभी तक अगर आप देखें तो ये भी एक लार्ज कैप कंपनी, लगभग 33,000 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिलता है और 75 के पी पे कंपनी ट्रेड हो रही है। हालांकि एक इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनी है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी बताना चाहते हैं कि जितना भी गवर्नमेंट अनाउंसमेंट करेगी, आप कह सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड अगर गवर्नमेंट कुछ भी अनाउंसमेंट करती है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप कह सकते हैं कि इस कंपनी को भी फायदा होते हुए दिख सकता है। ऐसा नहीं दोस्तों कि मतलब इसी कंपनी को पूरा का पूरा फायदा होगा, लेकिन हाँ, ब्रिज की बात करें, पुल की बात करें, और जितना मतलब कि स्कूल कॉलेजेस, कुछ भी एम्स हॉस्पिटल्स की अगर मैं बात करूँ, उससे रिलेटेड अगर कुछ भी अनाउंसमेंट होते हैं तो आप कह सकते हैं कि इस कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होते हुए दिख सकता है। वहीं पर अगर आप कंपनी के अभी तक के रिजल्ट को भी अगर आप देखें तो रिजल्ट भी इतना कुछ ख़राब नहीं है। यहाँ पे देखा है तो रिजल्ट भी ख़राब नहीं है कंपनी के साइज़ के हिसाब से। हाँ, ये कंपनी एक प्योर डेट फ्री कंपनी है और इसके पास ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि देखा है तो ऑर्डर बुक भी आते हुए दिखते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कंपनी का जो मतलब कि अभी तक का रिजल्ट है, अच्छा ये रिजल्ट देखने को मिला है और ये कंपनी डिविडेंड भी थोड़ा सा मतलब आप कह सकते हैं कि अच्छा देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये भी एक पीएसयू स्टॉक है और इसका मतलब कि देखा है तो हाउसिंग से रिलेटेड कंपनी का काम देखने को मिलता है, इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी से रिलेटेड, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड, रियल इस्टेट से रिलेटेड आप कह सकते हैं कंपनी काम करती है। 32,000 करोड़ का मार्केट कैप, जैसा कि हमने आपसे बता दिया। प्रमोटर की होल्डिंग्स जो भी है दोस्तों, आप कह सकते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही देखने को मिलेगी। हाँ, पीएसयू स्टॉक है तो ये ज़्यादा स्प्लिट बायबैक बोनस ये सब सारा चीज़ देते हैं। पहले इसका भी जो कि मतलब 2018-17 में कुछ कंपनी ने दो बार लगातार कॉर्पोरेट एक्शंस भी किया था। यहाँ पे अगर मैं इस कंपनी की बात करूँ तो अभी तक पीएस के हिसाब से देखेंगे तो ये कंपनी मोनोपोली क्रिएट कर रही है। और देखा जाए तो यहाँ पे कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट की अगर मैं बात करूँ तो ये सारे रिजल्ट भी कंपनी के अच्छे ही हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, ये कंपनी फ्यूचर में 500 रुपये के लेवल को टच करेगी क्या, तो इससे रिलेटेड अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले तो दोस्तों कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है, यहाँ पे 10 साल का अगर देखें 10% के हिसाब से, 5 साल में कंपनी डाउन हुई थी, लेकिन जो भी बूस्ट मिला है आप कह सकते हैं कि यही 3 साल में कंपनी को बूस्ट मिला है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी रफ्तार से अगर ये कंपनी चलती रही तो कंपनी का आप अगर प्रॉफिट ग्रोथ को भी देखिए तो कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ भी यही 3 साल में ज़्यादा से ज़्यादा बूस्ट होते हुए दिख रहा है। तो कहने का अर्थ है ये ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट अनाउंसमेंट करे, ज़्यादा से ज़्यादा इस कंपनी को फायदा होते हुए दिखेगा। सीजीआर और रिटर्न इक्विटी की बात करें दोस्तों, तो ये तो लॉन्ग टाइम मतलब कि क्या है कि आप कह सकते हैं कि ये तो सुधरते हुए भी दिख जाते हैं। बैलेंस शीट भी देखा है तो कंपनी के ऊपर डेट कुछ है ही नहीं और रिजर्व जी कंपनी के पास 2,000 करोड़ का पड़ा हुआ है। यहाँ पर अगर मैं कंपनी की भी बात करूँ तो आप कह सकते हैं कि प्रमोटर तो इनसे तो मतलब रखिए मत, ये तो कभी सेल करते नहीं, बहुत ही मतलब कि आप कह सकते हैं कि रेयर केस में कभी ओएफएस कुछ भी एक्स वाई जेड आता है दोस्तों, तभी सेलिंग होती है। यहाँ पे देखा जाए तो एफआईएस के पास ज़्यादा से ज़्यादा स्टेक है, उसके बाद आप कह सकते हैं डीआईएस के पास भी 9.5% का स्टेक है। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे पब्लिक भी देखने को मिल जाती है। न्यूज़ क्या है दोस्तों, सबसे पहले उसको भी हम कवर कर लेते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो न्यूज़ निकल के आ रहा है, एनबीसीसी सीज
ऑर्डर बुक एक्सपॉन्ड टू लगभग 81,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। यहाँ पे जो ईयर एंड तक हो सकता है कि 1,00,000 करोड़ के आसपास जाता हुआ दिख सकता है, ऐसा जो कि बताया जा रहा है। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे दोस्तों, जो कि मतलब पहले 64% था, जो कि 26% की ग्रोथ देखने को मिली, और उसके बाद देखा है तो एंड के ईयर तक आप कह सकते कि ये कंपनी का जो मतलब ऑर्डर बुक है लगभग 81,00,000 करोड़ के आसपास जाता हुआ दिख सकता है, ऐसा जो कि इनके मैनेजमेंट की बात कर जो भी की पर्सन दोस्तों उनका मानना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ड्यूरिंग द जो मैनेजमेंट है इन्होंने कॉल मतलब कि एक बताया है। हालांकि दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि ऐसा नहीं कि इस कंपनी को 22,000, 25,000, 50,000 करोड़ का ऑर्डर बुक मिलेगा सीधा सीधा, ऐसा नहीं। आपसे पता इस कंपनी को छोटा छोटा ऑर्डर बुक मिलते हुए दिखेगा। जैसा अगर आप यहाँ पे देखेंगे रिसेंट में कुछ इस कंपनी को इसी वीक में जो कि 500 करोड़ के आसपास ऑर्डर बुक देखने को मिला था, कहाँ पे दोस्तों? तो दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस की तरफ से जो कि मतलब आप कह सकते हैं कि ऑर्डर बुक देखने को मिला था। उसके बाद की भी अगर मैं बात करूँ तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे भी कुछ मतलब सिंगार डेवलपमेंट अथॉरिटी से रिलेटेड कुछ मतलब कि रक इगॉट से रिलेटेड मतलब कुछ देखा जाए तो यहाँ पे भी एक ऑर्डर बुक आते हुए दिखा है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जम्मू एंड कश्मीर की बात हो रही थी, ऐसे छोटे मोटे ऑर्डर्स इस कंपनी को मिलते रहेंगे और कंपनी जो है कि धीरे धीरे ग्रो करती रहेगी। अभी इस स्टॉक को बाई करना चाहिए या नहीं करना, देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है दोस्तों कि इस स्टॉक में भी एक ट्रेडिंग होती है। सेकंड PSU स्टॉक जिस टाइप से अभी ट्रेंडिंग में चल रहे हैं उस हिसाब से देखा जाए तो स्टॉक में एक ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू बनता है और प्राइस छोटा होने के कारण इस स्टॉक में ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू बनता ही है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 238 लाख टोटल से ट्रेड हुए, जिसमें 31-32% के आसपास माल डिलीवरी में उठाया गया। कंपनी की अगर मैं हाई की बात करूँ तो 9 जुलाई 2024 में ही कंपनी ने 198 रुपये 200 के आसपास कंपनी गई थी। हालांकि जो लोग सोच रहे हैं कि 500 के लेवल को कंपनी जल्द से जल्द टच करेगी, देखिए दोस्तों 500 के लेवल को कंपनी इमीडिएट तो टच नहीं करेगी, लेकिन हाँ आप अगर इस कंपनी को टाइम देंगे और गवर्नमेंट की सिचुएशन के हिसाब से अगर देखिए इनका जितना भी मतलब काम आपको देखने को मिलेगा, ग्रोथ देखने को मिलेगा, आप कह सकते हैं कि सारा का सारा गवर्नमेंट के ऊपर ही डिपेंडेंट रहेगा। तो इस हिसाब से जितना ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर बुक पॉजिटिव न्यूज आते रहेंगे तो कंपनी जो है कि ग्रो करते रहेगी। हालांकि इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है दोस्तों कि आने वाले समय में ये कंपनी को अगर थोड़ा लंबा टाइम देंगे तो मेरे पॉइंट से 300 के आसपास जा सकती है, हालांकि 500 में बहुत ही लंबा टाइम लग सकता है। इन छोटे छोटे स्टॉक में ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडिंग भी होती है। जैसा कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 528 करोड़ का कंपनी को कुछ ऑर्डर्स मिलते हुए दिखा, जिसके बाद मतलब कि तेजी ही देखने को मिलेगी। उसके बाद की अगर मैं बात करूँ तो आप कह सकते हैं बोर्ड मीटिंग अपडेट, छोटे मोटे अपडेट आते ही रहते हैं। अभी इस स्टॉक में अपने को करना कैसा, पहले दोस्तों बताना चाहते हैं जो भी रिटेलर इस स्टॉक को बाई करना चाहते हैं, मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है किसी भी स्टॉक में, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसके मैक्सिमम चार्ट पैटर्न को एक बार आप जरूर देख लेना। देखिए आज जो आपको तेजी देखने को मिल रही है इसी टाइप की तेजी पहले भी कभी मिली थी आप यहाँ पे देख सकते हैं, और उसके बाद आप कह सकते हैं कि 20-25 रुपये मतलब 20 रुपये से कम के नीचे भी ये कंपनी आई थी। इस चीज़ को भी आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। उसके बाद अगेन तेजी देखने को मिली और अगेन इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिली थी। तो जो भी तेजी बन रहा है दोस्तों अभी रिसेंट का ही, ऐसा नहीं कि यहाँ पे मतलब कि अभी करंट मतलब कि जो भी तेजी एक तरफा तेजी बनी हुई है, इस चीज़ को भी आपको नोट करके चलना है कि अगर आप इसके 5 साल के चार्ट को देखेंगे तो यहाँ पे भी इस स्टॉक में गिरावट हुई थी, उसके बाद तेजी देखने को मिली है। तो जो भी रिटेलर इस स्टॉक को बाई करेगा मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं, लेकिन हाँ गिरावट होती है तो कंपनी हो सकता है कि मेरे पॉइंट से वर्स्ट कंडीशन की मैं बात कर रहा हूँ, मतलब बहुत ही बुरी हालत आती है तो भी 150 के आसपास से कंपनी आ सकती है। अगर मैं तेजी की बात करूँ तो जल्द से जल्द कंपनी 200 के लेवल को टच कर सकती है। चलिए दोस्तों, ब्रेक को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे दोस्तों।